गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, यूनिट फर्स्ट का पार्ट थ्री आज पढ़ने जा रहे हैं और उसमें हम आपको समझाते हैं आज प्राइम नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो आइए हम समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। हमें थ्री दिया है, हमसे किसी ने पूछा कि थ्री प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इसके लिए हम ऐसे पहचान करेंगे कि सबसे पहले नंबर थ्री का वन से डिवाइड करेंगे, वन थ्री सा थ्री पूरा डिवाइड हुआ कितनी टाइम्स का, थ्री टाइम्स। और अब क्या करना है, वन से हो गया अब थ्री से करते हैं, थ्री का थ्री में करते हैं तो थ्री बन गया थ्री, तो कितना आया यहाँ पर वन और यहाँ पर कितना आया थ्री। तो प्राइम नंबर वो कहलाते हैं जिसमें या तो वन से वो नंबर वन से डिवाइड हो या सिर्फ वो कुछ स्वयं से डिवाइड हो। प्राइम नंबर में कितने फैक्टर बनते हैं, ओनली टू फैक्टर्स, या तो वो वन से डिवाइड होगा या फिर वो कुछ स्वयं से डिवाइड होगा। तो हमने सबसे पहले वन से थ्री में डिवाइड किया, पूरा डिवाइड हुआ यहाँ पर कुछ नहीं बचा, फिर हमने थ्री से किया इसको डिवाइड, तो इसका कितना यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, सिर्फ कितने डिवाइड हुआ यहाँ पर वन। तो प्राइम नंबर वो कहलाते हैं जो वन से डिवाइड हो या वो खुद स्वयं से डिवाइड हो। तो हमने आपको दोनों नंबरों से डिवाइड करवा के दिखा दिया, यहाँ पर वन से करके दिया और थ्री से डिवाइड किया, दोनों का रिमाइंडर क्या मिला यहाँ पर जीरो, यहाँ पे भी जीरो। इस तरह से हमने एक और क्या लिया सेवन, सेवन को हमें चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले वन से डिवाइड करेंगे, वन से सेवन का सेवन रिमाइंडर कुछ नहीं बचा यहाँ, अब सेवन से डिवाइड कर देंगे सेवन को, सेवन बन जा सेवन, रिमाइंडर क्या आया जीरो। तो इससे हमें पता चला कि ये वन से डिवाइड भी हो गया और सेवन से भी डिवाइड हुआ, तो दिस नंबर इज प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन समझाते हैं प्राइम नंबर का ही, तो प्राइम नंबर सभी को समझ में आ रहा है कि या तो वो वन से पूरा डिवाइड हो या फिर वो खुद स्वयं से, तब हम उसको कहेंगे कि ये प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका यूनिट फर्स्ट का, राइट ऑल द प्राइम नंबर। क्वेश्चन समझेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, हमें प्राइम नंबर्स को लिखना है, क्या लिखना है प्राइम नंबर लिखना है, किस किस के बीच में 40 और 60 के बीच में जो भी प्राइम नंबर आएंगे वो हमको इसमें सॉल्यूशन में करना है। तो 40 को तो हमें लेना नहीं है, 40 के बाद लेना है क्योंकि 40 और 60 के बीच के नंबर लिखना है। तो क्या आ जाएगा 40 के बाद, 41 जो कि वन से डिवाइड होता है और वो खुद स्वयं से डिवाइड होता है, और 41 किसी भी टेबल में नहीं आता है, इसलिए 41 प्राइम हुआ ये, 43, 47, 47 के बाद 48, 49, 49 भी आता है हमारे टेबल में, 50 भी आता है, 51, 52, 53 आएगा, 57 और इसके बाद 59। ये 40 और 60 के बीच में क्या है हमारे प्राइम नंबर, जो कि सिर्फ अकेले वन से डिवाइड होते हैं और खुद स्वयं से, और इसके अलावा ये किसी भी टेबल में नहीं आते और ना किसी भी नंबर से ये डिवाइड होते। सभी को समझ में आया प्राइम नंबर। इसके बाद जो आपका जो क्वेश्चन है वो हम आपको पीडीएफ में सेंड करें। क्वेश्चन नंबर 20 आपको
मिल जाएगा। अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 21 और समझाते हैं। सेविच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम एंड विच आर कंपोजिट। तो प्राइम नंबर के सिर्फ कितने फैक्टर्स बनते हैं? ओनली टू, और कंपोजिट में टू से ज्यादा, वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। तो हमें कुछ आपको क्वेश्चन में नंबर दिए गए हैं, उनकी हमें पहचान करना है कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर ए है 59। 59 को बताना है कि ये प्राइम में है या कंपोजिट में है। जो कि वन से डिवाइड होगा और वो खुद स्वयं से, इसके अलावा किसी भी टेबल में ये नहीं आता। देखो टू से भी डिवाइड नहीं होगा ये, क्योंकि पीछे क्या है इसमें लास्ट में 9, टू के टेबल में 9 नहीं आता। थ्री से देखो 3 2 6 और 3 2 6। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, यूनिट फर्स्ट का पार्ट 3 आज पढ़ने जा रहे हैं और उसमें हम आपको समझाते हैं आज प्राइम नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो आइए हम समझते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर बने, वो नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि हमें 3 दिया है, हमसे किसी ने पूछा कि 3 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इसके लिए हम ऐसे पहचान करेंगे कि सबसे पहले नंबर 3 का 1 से डिवाइड करेंगे, 1 3 3 पूरा डिवाइड हुआ कितनी टाइम्स का? 3 टाइम्स। और अब क्या करना है, 1 से हुआ है, अब 3 से करते हैं, 3 का 3 में करते हैं तो 3 बन गया 3। तो कितना आया यहाँ पर? 1, और यहाँ पर कितना आया? 3। तो प्राइम नंबर वो कहलाते हैं जिसमें या तो 1 से वो नंबर 1 से डिवाइड हो या सिर्फ वो खुद स्वयं से डिवाइड हो। प्राइम नंबर में कितने फैक्टर बनते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या फिर वो खुद स्वयं से डिवाइड होगा। तो हमने सबसे पहले 1 से 3 में डिवाइड किया, पूरा डिवाइड हुआ है यहाँ पर, कुछ नहीं बचा। फिर हमने 3 से किया इसको डिवाइड, तो इसका कितना यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, सिर्फ कितने डिवाइड हुआ यहाँ पर? 1। तो प्राइम नंबर वो कहलाते हैं जो 1 से डिवाइड हो या वो खुद स्वयं से डिवाइड हो। तो हमने आपको दोनों नंबरों से डिवाइड करवा के दिखा दिया यहाँ पर, 1 से करके दिया और 3 से डिवाइड किया, दोनों का रिमाइंडर क्या मिला यहाँ पर? 0, यहाँ पे भी 0। इस तरह से हमने एक और क्या लिया, 7 को हमें चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे, 1 7 का 7 रिमाइंडर कुछ नहीं बचा यहाँ। अब 7 से डिवाइड कर देंगे 7 को, 7 बन जा 7, रिमाइंडर क्या आया? 0। तो इससे हमें पता चला कि ये 1 से डिवाइड भी हो गया और 7 से भी डिवाइड हुआ। तो दिस नंबर इज प्राइम नंबर।